पर पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर के सड़क पर पलटते ही पेट्रोल को लूटने के लिए होड़ मच गई। पुलिस के सामने ही ग्रामीणों ने टैंकर से तेल लूट लिया और पुलिस तमाशबीन बनी रही। लोग बड़े बड़े बर्तनों में पेट्रोल भरकर ले गए, जिसे जैसे मौका लगा उसने वैसे ही तेल पर हाथ साफ कर लिया। पेट्रोल से भरा ये टैंकर दन्नाहार के बरमदेव जरामई के पास पलटा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पेट्रोल लूटने की होड़ मच गई। काफी देर बाद पुलिस की नींद से खुली और लाठीचार्ज कर लोगों को मौके से किसी तरह खदेड़ने में कामयाब रहे। मैनपुरी में सड़क पर पेट्रोल लूट के दौरान कई लोग पेट्रोल से भीगे दिखे। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि अगर एक चिंगारी भी लग जाती तो मैनपुरी में बड़ा हादसा हो सकता था। टैंकर आगरा की तरफ से तेजी से आ रहा था, इसका स्टीयरिंग फेल हो गया जैसा कि ड्राइवर ने बताया, और ये अचानक मुड़ गया, मुड़ने कारण पलट गया है, और ये फरकाबाद जा रहा था और इसका ऑयल जो है उससे डीजल निकलने लगा। वो जो मट्टी में पड़ा था वो ले गए, हमने उनको सबको खदेड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो फैल रहा था वो ले गए, जो फैल रहा था मट्टी के नीचे गड्ढों में आ गया था उसको लिया है, और किसी भी कुछ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पर जारी राजनीति के बीच सरकार और सेना ने एक बार फिर सांसदों को इसके बारे में जानकारी दी। मोदी सरकार ने खुलासा किया है कि सेना ने पहले भी सर्जिकल ऑपरेशंस किया है, लेकिन जिस पैमाने पर इस बार हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। विदेश सचिव एस जयशंकर ने इस स्थायी संसदीय समिति को बताया कि पहले कभी ऐसे ऑपरेशंस को सार्वजनिक नहीं किया गया था। बैठक में मौजूद समिति के सदस्यों को विदेश सचिव एस जयशंकर और उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत ने सर्जिकल ऑपरेशंस और उसके बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव ने यह तो माना कि ऐसे ऑपरेशंस पहले भी सेना करती रही है, लेकिन इस बार इसका बड़ा पैमाना है। और वहीं स्थायी समिति की बैठक में राहुल गांधी भी शरीक हुए, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। जम्मू कश्मीर में शायद पहली बार एक रेड के दौरान सुरक्षा के बलों को आतंकियों के ठिकाने से चीन के झंडे मिले हैं। सेना के मुताबिक 17 अक्टूबर को बारामूला में 12 घंटों में 700 से अधिक घरों में तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों को चीन के झंडों के अलावा पाकिस्तान के झंडे, लश्कर और जैश के लेटर हेड, अवैध फोन, पेट्रोल बम जैसी चीजें भी मिली है। इस बीच घाटी में माहौल बिगाड़ने के आरोप में 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर रशीद भट्ट उर्फ जाकिर मूसा का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उसने कश्मीरी युवकों को आतंकी संगठन का हिस्सा बनने के लिए सुरक्षा बलों से हथियार छीनने पर जोर दिया है। वीडियो में ग्रेनेड के साथ खेलते हुए दिख रहा है और जाकिर युवकों को बताता है कि उनको स्वागत है और वो आतंकी रैंकों में शामिल हो सकते हैं। किसी अनजानी जगह पर दोनों तरफ से हथियार और सेना की वर्दी पहने जाकिर ने कहा है कि कई युवकों ने जिहाद शुरू किया है और हथियार छीनकर हमारी रैंकों में शामिल हो गए हैं। सिखों का जिक्र करते हुए जाकिर ने कहा है कि उसमें कई हिजबुल में शामिल होने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि वो पंजाब में भारत से बदला लेना चाहते हैं। हिजबुल कमांडर का वीडियो उस समय वायरल हुआ है जब पिछले कई हफ्तों से सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान के कई सांसदों ने नवाज शरीफ सरकार को आगाह किया है कि अगर देश के हितों की रक्षा नहीं की गई तो 46 अरब डॉलर की लागत वाला चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर एक और ईस्ट इंडिया कंपनी में तब्दील हो सकता है। योजना एवं विकास पर सीनियर स्थायी समिति के अध्यक्ष ताहिर मशादी ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती पर गर्व है, लेकिन देश का हित पहले है। ताहिर मशादी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों की हिफाजत नहीं की जा रही। आपको बता दें कि ताहिर मशादी ने ये बात तब कही जब सीनेट के कुछ सदस्य ये चिंता पहले ही जता चुके हैं कि सरकार लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा नहीं कर रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
पाकिस्तान के आतंकवाद पर भारत में चीन के पूर्व राजदूत सन यूशी ने कहा है कि आप पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं दिखता, मैं इसे नहीं मानता। और सन यूशी ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का है, दोनों को ही सुलझाना होगा। China and Pakistan enjoy very close relations, but on Kashmir issue, we are just, it's something issue between India and Pakistan. We hope India and Pakistan can sit down and talk and try to solve any problem arose from Kashmir issue. I know Pakistan have made great contribution in fighting against terrorism. बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के अत्याचार का नया सबूत सामने आया है। ये वीडियो बलोच रिपब्लिकन पार्टी ने जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को बलूचिस्तान के नसीराबाद में रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में पाकिस्तानी सेना बलोच नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते दिख रहे हैं। खबरों के मुताबिक सेना ने घरों पर बम गिराकर आग लगा दी और कई महिलाओं को अगवा भी कर लिया है। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के मुताबिक पाक आर्मी कई इलाकों में बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से अब तक पाक सेना 20,000 से ज्यादा बलोच नागरिकों की हत्या कर चुकी है। राजधानी दिल्ली पर आतंक का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फेस्टिव सीजन में आतंकी बाजार, भीड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन, मॉल और मेट्रो में लोन वुल्फ अटैक कर सकते हैं। दिल्ली में आतंकी थ्रेट को देखते हुए देश के अलग अलग इलाकों में तैनात एनएसजी कमांडो को सतर्क किया गया है। आतंकी हमले की हालात में निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। हमले की सूरत में जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए अलग अलग जगहों पर क्विक रिस्पांस टीम को स्टैंड बाय रखा गया है और सूत्रों के मुताबिक एनएसजी के 75% जवानों को स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। उत्तराखंड के कोटद्वार में ड्रैगन के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सामाजिक संगठनों के साथ आम लोगों ने एक सुर में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की है और इनके सामानों के बहिष्कार का ऐलान किया है। लोगों ने चाइनीज सामान की खरीदारी और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। सभी ने इस बार दिवाली में घर सजाने के लिए चाइनीज सामान इस्तेमाल न करने का प्रण लिया। साथ ही पारंपरिक भारतीय तरीके से घर को सजाने की बात कही। चाइनीज सामानों के खिलाफ प्रदर्शन में स्कूली बच्चों के साथ पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। ये जो आतंकवाद के मुद्दे पर एक बात नहीं करता है चीन, तो इसके सामान को क्यों न बहिष्कार किया जाए और इसके जो है आने वाली दिवाली पे जो है अपने दियों से अपना दिवाली मनाएंगे। यही हमारा पूर्व सैनिकों को भी ये संदेश होगा कि चीन के सामान को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। चीनी सामान के बहिष्कार का ज्यादा असर मुंबई के बाजारों में नहीं दिख रहा है। त्योहारों के मौके पर शहर के मार्केट में चाइनीज सामान छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर चाइनीज सामानों के बायकॉट का ज्यादा असर यहां नहीं दिख रहा है। यही नहीं, कुछ जगहों पर ये हॉटकेक की तरह बिक रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि करीब 5% लोग ही देश में बने सामानों की मांग कर रहे हैं, खासकर कम कीमत और ज्यादा वैरायटी की वजह से ये लोगों को पसंद आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोगों की भावनाएं तो चीनी सामानों के खिलाफ है, लेकिन इससे कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। जीएसटी काउंसिल में जीएसटी लागू होने पर राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। इसके तहत राजस्व का आकलन करने के लिए बेस ईयर 2015-16 होगा और पहले 5 साल में हर एक राज्य की विकास दर को 14% की दर के आधार पर तय किया जाएगा। बैठक में जीएसटी टैक्स के लिए 4 स्लैब 6, 12, 18 और 26% की दर पर करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसमें खाने पीने की चीजों को टैक्स के दायरे में बाहर रखने के साथ ही आम इस्तेमाल के 50% सामानों पर टैक्स से छूट देने या कम स्लैब में रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है, ताकि जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई ना बढ़े। काउंसिल की बैठक आज भी होगी।
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी मंगलवार को हिमाचल पहुंचे। यहां मंडी में पीएम ने 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। मंडी में पीएम मोदी ने एक रैली को भी संबोधित किया और कहा, हिमाचल देवभूमि और वीर भूमि है। पहले इसराइल के सेना की चर्चा होती थी और अब भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया ने देख लिया है। मोदी ने हिमाचल की जनता को भरोसा दिलाया है कि अगले 3 साल में गरीब से गरीब परिवार को भी गैस कनेक्शन मिलेगा। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। हिमाचल के बाद पीएम मोदी मंगलवार को पंजाब के लुधियाना पहुंचे और महिलाओं को चरखे बांटे। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में कारोबारियों को सम्मानित भी किया। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में महिलाओं को 500 चरखे दिए। महिलाओं के साथ चरखा भी चलाया। प्रधानमंत्री ने खादी बोर्ड की प्रदर्शनी भी देखी। एमएसएमआई ने की 2 नई स्कीम भी लॉन्च की। प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर SC/ST हब का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में देश के 232 उद्यमियों को सम्मानित किया। मेरे लिए खुशी की बात है कि लुधियाना में लघु उद्योग क्षेत्र का एक लघु भारत आज मेरे सामने है। हिंदुस्तान के हर कोने से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहां मौजूद हैं और मेरा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में योगदान देने वाले सभी उद्योगकारों को सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी 24 अक्टूबर को 8वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र बनारस जाएंगे। दिवाली से पहले वो बनारस को पाइपलाइन द्वारा गैस देने की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 1000 करोड़ की इस योजना को वाराणसी को पीएम का दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है। इसके अलावा वो 6000 हॉर्स पावर के इंजन का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी बड़वाडी इलाहाबाद सिटी दोहरीकरण परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो DLW मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4 घंटे अपने संसदीय क्षेत्र में गुजारेंगे और 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके लिए पार्टी से लेकर प्रशासन तक तैयारियों में जुट गया है। बिहार की राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हो गई। शास्त्री नगर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोग सड़क पर उतर गए। लोगों ने टायर जलाकर बेली रोड को शास्त्री नगर के पास जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सरकार विरोधी नारे लगाए। दरअसल शास्त्री नगर में लोग सरकारी जमीन में घर बनाकर रह रहे थे और लोगों ने लगभग 30 मिनट तक बेली रोड को जाम कर दिया था, जिससे यातायात ठप हो गया। जिसके बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर सड़क जाम हटा दिया। इस दौरान बेली रोड पर अफरा तफरी मच गई। यूपी के बिजनौर में पेदा कांड के आरोपियों के मकानों पर लिखे मकान बिकाऊ है के इश्तहार से पुलिस की नींद उड़ गई है। पेदा गांव में खौफ का माहौल है और गांव में 1.5 प्लाटून PSC तैनात कर दी गई है। 16 सितंबर को पेदा गांव में ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई थी और हत्याकांड के 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन अब आरोपियों के परिवार की महिलाओं ने दूसरे समुदाय पर धमकी देने और उनके घरों पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया है। यूपी के हाथरस में मिड डे मील से कई बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को सदाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सहपऊ के नगला प्रेम सिंह स्कूल में मिड डे मील के बाद फूड पॉइजनिंग की वजह से इन बच्चों की तबीयत खराब हो गई और उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद बच्चों को आनंद फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वही मामले की जानकारी मिलने के बाद SDM अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हाल जाना और मिड डे मील में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।
मध्य प्रदेश के भिंड में एक गर्भवती महिला के घरवाले जन्नी एक्सप्रेस को फोन करते रहे लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया। थकार कर घरवाले खुद ही ठेले पर महिला को सुलाकर जिला अस्पताल ले गए और अस्पताल में खुद घरवालों को ही स्ट्रेचर लाकर महिला को अस्पताल के अंदर ले जाना पड़ा। घरवालों ने जन्नी एक्सप्रेस को फोन किया लेकिन किसी ने फोन ही रिसीव नहीं किया, लिहाजा महिला को ठेले पर ही अस्पताल पहुंचाना पड़ा। हालांकि इस मामले में जन्नी एक्सप्रेस या अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरबा जिले में एक बार फिर हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां जंगलों में हाथियों के झुंड की मौजूदगी से इलाके के ग्रामीण खौफजदा है। करीब 75 हाथियों का झुंड वन मंडल के करतला और कुदमुरा रेंज में जंगल में घूम रहा है और उत्पाती हाथियों ने करीब 40 एकड़ जमीन में खड़ी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इतना ही नहीं, हाथियों के हमले में एक ग्रामीण के घायल होने की मामला भी सामने आया है। कावेरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक और तमिलनाडु प्रशासन दोनों राज्यों में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करें। कावेरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी की है और कोर्ट ने कर्नाटक से अगले आदेश तक रोज 2000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक बेंच जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ रॉय और जस्टिस AM खानविलकर शामिल है। इस मुद्दे से जुड़े केस की सुनवाई कर रहे हैं और आपको बता दें कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर सदियों से विवाद चला आ रहा है और दोनों राज्यों में कई बार हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। मणिपुर की आयरन लेडी कही जाने वाली इरोम शर्मिला ने नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी है जिसका नाम प्रजा यानी पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस रखा गया है। इस दौरान इरोम ने कहा है कि वो अगले साल की शुरुआत में होने वाले मणिपुर विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी और 44 साल की इरोम शर्मिला ने कहा है कि उनकी पार्टी न्याय, समझदारी, प्रेम और शांति के मूल सिद्धांतों पर आधारित होगी। इरोम को उम्मीद है कि वो मणिपुर की 60 में से 20 सीटों पर अपनी प्रत्याशी खड़ी करेंगी और इरोम शर्मिला ने नवम्बर 2000 में अफस्पा के विरुद्ध अनशन शुरू किया था। गाड़ियों से निकलने वाले पॉल्यूशन पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। हाल के फॉक्स वैगन एमिशन फ्रॉड के बाद सरकार भारत की ऑटो कंपनियों के लिए एमिशन नॉर्म्स कड़े कर रही है और 1 अप्रैल 2017 से सभी ऑटो कंपनियों के लिए गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण के बारे में डिक्लेरेशन देना होगा और इसमें ई रिक्शा के साथ ई कार भी शामिल होंगे। गाड़ी की बिक्री के वक्त कंपनी को बताना होगा कि गाड़ी कितना धुआं छोड़ती है और कितनी आवाज करती है। इसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया है। मोदी सरकार बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी तय कर सकती है। आम बजट की तारीख पर इसी हफ्ते कैबिनेट में फैसला हो सकता है। सरकार अभी तक बजट की तारीख को लेकर चुनाव आयोग की हरी झंडी का इंतजार कर रही थी जो अब उसे मिल गई है। मंत्रिमंडल की 21 सितंबर को हुई बैठक में आम बजट को तय तारीख से 1 महीने पहले पेश करने का फैसला किया था और अभी तक बजट फरवरी के आखिरी वर्किंग डे को पेश होता था। दरअसल 2017 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार ऐसी तारीख चाहती थी जो चुनाव की तारीखों से ना टकराए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी PNB हाउसिंग का IPO 25 से 27 अक्टूबर के बीच खुलेगा। कंपनी का प्राइस बैंड 750 से 775 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी की IPO के जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी का लॉट साइज 19 शेयर का है। IPO से जुटाई रकम का इस्तेमाल कैपिटल बेस को बढ़ाने की कंपनी के लिए ब्रॉडनिंग के लिए किया जाएगा। ब्लैक मनी पर सरकार बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने IDS के तहत ब्लैक मनी नहीं घोषित करने वाले 12,000 लोगों की लिस्ट तैयार की है। इनमें से 2,000 लोगों के खिलाफ सरकार के पास पुख्ता सबूत है। सरकार इनके खिलाफ अक्टूबर से जनवरी के बीच कार्रवाई करेगी। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 2G कोर्ट से बाहर रखने की याचिका खारिज कर दी है।
महाराष्ट्र के लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने और एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कीमत पर बेचने के खिलाफ 134 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई में मल्टीप्लेक्स के अलावा कई रेस्टोरेंट भी शामिल है। आज सुहागिनों के लिए सबसे बड़ा दिन है। देश भर की महिलाएं आज पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी। दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए महिलाएं रात को चांद के दीदार के साथ व्रत खोलेंगी।